बिलो आर गिवन सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, तो टिक ऑफ राइट दोज दैट आर कंप्लीट सेंटेंसेस, जो सही है सेंटेंस उसके आगे राइट मार्क करना है. ओके, पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट आर नॉट, पर जो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है उसके सामने क्रॉस करना है. ओके, एंड पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच कंप्लीट सेंटेंस एंड राइट इट अगेन, और जो कि एक पूरा सेंटेंस सही है पर उसके आगे पीछे फुल स्टॉप नहीं है, तो फुल स्टॉप रखो और फिर उसमें उसको आगे राइट करो, फिर से आपको वही सेंटेंस लिखना है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इन द मिडल ऑफ द रोड, इसका मतलब क्या होता है कि रोड के बीच में. तो रोड के बीच में क्या पूरा सेंटेंस होता है? नहीं, यह आधा सेंटेंस है, इट्स नॉट कम्प्लीट, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे. ठीक है, देन दिस बुक इज कॉस्टली, यह बुक कॉस्टली यानी महंगी है, तो हम बोल रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है कि पूरा सेंटेंस है पर इसमें फुल स्टॉप नहीं है, पूरा सेंटेंस इसलिए राइट करेंगे और फुल स्टॉप हमें लिखना है, तो पूरा सेंटेंस फिर से लिखेंगे सेम है और वहाँ पे फुल स्टॉप लिखेंगे. दिस बुक इज कॉस्टली, कर दो पीछे फुल स्टॉप, तो सेंटेंस हो गया कंप्लीट. सेंटेंस क्या हुआ? दिस बुक इज कॉस्टली, यह बुक महंगी है. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? द फार्मर इज अवर फ्रेंड, यानी जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वह हमारे क्या है? दोस्त है. ओके, फार्मर यानी किसान, फ्रेंड यानी दोस्त, किसान हमारा दोस्त है, तो सेंटेंस पूरा हो रहा है, हमें लग रहा है कि इसमें कंप्लीटेशन है, पता चल रहा है कि सेंटेंस कैसा है, कंप्लीट है. तो यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्टॉप. सेंटेंस कंप्लीट है तो यहाँ पे राइट करते हैं फुल स्टॉप के साथ, सेंटेंस को फिर से लिखते हैं. तो लिखें द फार्मर यानी किसान इज अवर यानी हमारा, हम सबका फ्रेंड, किसान हम सबका दोस्त है, पीछे करेंगे फुल स्टॉप, ये सेंटेंस हुआ कंप्लीट, किसान हमारा दोस्त है. नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? वाइल गोइंग टू द मार्केट, वाइल यानी जब, गोइंग यानी जा रहा था, कहाँ पे? मार्केट यानी बाजार, जब बाजार जा रहा था, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है. जब बाजार जा रहा था तो क्या हुआ, कुछ हुआ, घटना इंसिडेंट हुआ, तो उसको उसने पूरा नहीं किया है, ये सेंटेंस कैसा है? इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे करेंगे क्रॉस, हमने क्रॉस पुट किया. ठीक है, सेंटेंस इनकम्प्लीट था, दैट्स व्हाई. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर्स यानी बाघ, वाइल्ड यानी जंगली, एनिमल्स यानी प्राणी, टाइगर यानी बाघ जंगली प्राणी है, तो एज वी नो कि टाइगर्स होता है वाइल्ड एनिमल्स है, तो सेंटेंस कैसा है? कंप्लीटेड है. तो यहाँ पे पुट करेंगे राइट मार्क और यहाँ पे करेंगे सेंटेंस को कंप्लीट फुल स्टॉप के साथ, तो सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे सेम एट इज इट, टाइगर्स आर ये हुआ फुल स्टॉप. तो देखो जो सेंटेंस राइट था उसके पीछे फुल स्टॉप बुक में नहीं रखा है, हमने फुल स्टॉप रख के सेंटेंस को कंप्लीट किया, और जो सेंटेंस आधा था उसके आगे हमने क्रॉस पुट किया है. ठीक है, समझ आया? क्या करना है कि आगे सेंटेंस है 1, 6 to 10 वो भी देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है इफ यू हेल्प योर फ्रेंड, इसका मतलब ऐसा होता है अगर तुम्हारे दोस्त की मदद करो, ये सेंटेंस कैसा है? इनकम्प्लीट. क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे दोस्त की मदद करो, तो क्या कहना चाह रहा है वह कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब सेंटेंस कैसा है? अधूरा है. तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस, सेंटेंस अधूरा है, दैट्स वाई. आगे लिखा है 7 नंबर में दिस शार्प नाइफ, शार्प यानी तेज धारदार, नाइफ यानी चप्पू, दिस यानी यह धारदार चप्पू, तो ये कैसा है सेंटेंस? इनकम्प्लीट. दिस शार्प नाइफ आगे कुछ है ही नहीं, ये सेंटेंस है अधूरा यानी इनकम्प्लीट, दैट्स अ रिपोर्ट क्रॉस.
नेक्स्ट है वी शुड वर्क हार्ड। कहना का मतलब क्या है कि हमें हार्ड यानी सख्त, वर्क यानी काम, हमें सख्त काम करना चाहिए। ओके तो ये सेंटेंस कैसा है, पूरा है, कंप्लीटेड। तो यहाँ पे करेंगे राइट, बट यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है तो वो हम फुल स्टॉप रख देते हैं। वी सेंटेंस जैसा है वैसा ही वापस लिखेंगे। और यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप, वी शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट, गॉड मेड दिस वंडरफुल वर्ल्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं, गॉड यानी भगवान, मेड यानी बनाई, वंडरफुल यानी अद्भुत, वर्ल्ड यानी दुनिया, दिस यानी यह, भगवान ने यह अद्भुत दुनिया बनाई। किसने बनाई, भगवान ने। तो सेंटेंस कैसा है, कंप्लीटेड है, बट यहाँ पे फुल स्टॉप ही नहीं है। इसको राइट करेंगे, सेंटेंस वापस लिखेंगे। देखो हो गया, गॉड मेड दिस वंडरफुल वर्ल्ड, यानी भगवान ने यह अद्भुत दुनिया बनाई, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है अनलेस ही रन्स फास्ट, जब तक कि वह तेजी से चलता, रन्स यानी दौड़ना होता है, तो जब तक कि वह तेजी से दौड़ता, तो सेंटेंस कैसा है, इनकम्प्लीटेड। यहाँ पे आएगा दौड़ता, मतलब कुछ क्या कहना चाह रहा है कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है, जिसका सेंस क्लियर नहीं है सेंटेंस का वह सेंटेंस होता है इनकम्प्लीट, और वहाँ पे हम पुट करेंगे क्रॉस मार्क। ठीक है, तो ये जो था हमारा द सेंटेंस टॉपिक, यहाँ पे पूरा होता है। द सेंटेंस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी, एक बार फिर से सुन लो। उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए सेंटेंस का पहला अक्षर जो भी है, ओके। और आई अगर कहीं पर भी है तो उसको क्या करना है, कैपिटल में ही लिखना है। दूसरा, सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं उसका एक ऑर्डर परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, अगर उसमें टू बी का रूप है या फिर टू हैव का रूप है तो वी हैव टू पुट कंपल्सरी दैट्स इट फर्स्ट। तो सब्जेक्ट टू बी फॉर्म या टू हैव का फॉर्म, और वर्ब फिर उसके पीछे के एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वह। यह जो एक्सरसाइज हमने पहले असाइनमेंट की द सेंटेंस, उससे हमें थोड़ा डाउट हमारा क्लियर हो ही जाएगा कि सेंटेंस क्या चीज़ होती है, और उसको हम पंक्चुएशन भी कहते हैं, कैपिटल लेटर को रखना और जो उसके सिंबल्स होते हैं उसको रखना और उसके वर्ड्स के ऑर्डर्स को सेट करना, इसको एक पंक्चुएशन भी कहते हैं, सेंटेंस का पंक्चुएशन। तो यह टॉपिक हमारा यहाँ पे पूरा होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।